Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss the numerical that has been asked in previous year AKT University examination of Introduction to Soft Computing. Soft Computing में hetero associative memory से related जो numericals पूछे गए हैं, उनमें ये numerical काफी ज़्यादा पूछा जाता है, काफी easy numerical है. Today we'll discuss the numerical with its solution in detail. तो सबसे पहले देखते हैं numerical क्या है, which is based on the hetero associative memory. For the given input vector S, एक given vector है आपको input S, where S equal to S1, S2, S3, S4, ये input आपका vector है, output vector है आपका T equal to T1, T2, दे रखा है. Find the weight matrix आपसे पूछ रहा है, using hetero associative training algorithm use करके. तो आपको S1, S2, S3, S4 की value दे रखी है matrix की, 1100, 1001, 1100, 0101, और जो टारगेट मैट्रिक्स है वो भी आपको दे रखी है 0111100. और हमने आपको पढ़ाया था कि दो तरीके से हम निकाल सकते हैं आपकी वेट मैट्रिक्स को. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, या तो हम यूज़ करके निकाल सकते हैं इसको हैव्स रूल को यूज़ करके, या फिर आउटर प्रोडक्ट रूल यूज़ करके भी इसको निकाला जा सकता है. तो इजी आपको पड़ेगा आउटर प्रोडक्ट रूल यूज़ करके. द फार्मूला इज़ वेरी सिंपल कि वेट मैट्रिक्स अगर निकालना है तो जो S मैट्रिक्स है इनपुट वेक्टर वाली, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको टारगेट मैट्रिक्स के साथ, देन यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट. तो क्या है, आप सबसे पहले आपने क्या किया, S मैट्रिक्स को लिखा, इधर साइड में हमने लिख लिया है S मैट्रिक्स को 1100 से लेकर 0100 तक. उसके बाद हमने उसका, क्योंकि हमें ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने S का ट्रांसपोज निकाला है. जो भी आपकी ये हॉरिजॉन्टल 1110 है उसको 1110 कर दिया, 1011 को 1011 कर दिया, 0000 को 0000 कर दिया, और 0101 को 0101 कर दिया. ये आपने ऑलरेडी अपने 12th या बीटेक के स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा किस तरीके से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा जाता है. अब ट्रांसपोज निकल के आ गया, हमारा ये निकल के आ गया, तो हमने ट्रांसपोज ये लिख लिया 1110 से लेकर 0101 तक. और टारगेट मैट्रिक्स आपकी क्या है, 0111100, वो हमने लिख लिए, ठीक है. और हमारे पास सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना रह गया है. देखिए किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 का 0 से मल्टीप्लाई ये आ गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई ये आ गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई ये आ गया, 0 का 0 से मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक है. उसके बाद इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई ये हो गया, इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई ये हो गया, इस 1 का इस 0 से मल्टीप्लाई ये हो गया, इस 0 का इस 0 से मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक. अब ये वाली वैल्यू निकालते हैं, तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई, 0 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 का 0 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही फिर इन चारों वैल्यूज़ का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 1, 0 × 1, 1 × 0, 1 × 0, ये आ जाएगा आपका. फिर 0 × 0, 0 × 1, 0 × 1, 0 × 0, ये आ गया. फिर इन चारों वैल्यूज़ का इससे मल्टीप्लाई, 0 × 1, 0 × 1, 0 × 0, 0 × 0, ये आ जाएगा. फिर लास्ट में इन चारों वैल्यूज़ का इसके साथ पहले मल्टीप्लाई, 0 × 0, 1 × 1, 1, 0 × 1, 0, 1 × 0, ये आ गया, ठीक. फिर 0 × 1, ये आ गया, 1 × 1, ये आ गया, 0 × 0, ये आ गया, 1 × 0. तो इसको कैलकुलेट करिए, 1 + 1 = 2 आएगा इससे, इससे 1 + 1 = 2 आएगा. ये आपका कैलकुलेट करने पर 1, ये आएगा 1, ये आपका आएगा 0, ये भी आपका आएगा 0, ये आपका आएगा 1, ये भी आपका आएगा 1. तो इस तरीके से आपसे वेट मैट्रिक्स पूछी गई है. यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वेट मैट्रिक्स बाय जस्ट टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ इनपुट वेक्टर मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द टारगेट मैट्रिक्स. आई होप आपको इन न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.